हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एट मिक्स मैन। तो दोस्तों, कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जर्मन शेफर्ड प्योरिटी की वीडियो चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग एडॉप्ट कर रहे हैं या फिर किसी किसी को फेक मिल रहा है। तो जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर के बाद दूसरी पॉपुलर डॉग ब्रीड है जिनको ज़्यादा एडॉप्ट किया जाता है, और इसी का फ़ायदा कुछ फेक ब्रीडर लोग करते हैं उन्हें डुप्लीकेट या फिर फेक डॉग ब्रीड देके। और कई सारे नए ओनर्स होते हैं या फिर कई बार नए अडॉप्ट करने जा रहे होते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें फेक मिल रहा है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ मैं। पूरी देखिएगा, सारी डिटेल में बताऊँगा, हो सकता है आपको पता चल जाए और आप भी बच सको। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जर्मन शेफर्ड आपको कितने टाइप के कोट में मिलते हैं। सबसे पहले आता है सिंगल कोट, फिर आता है डबल कोट, फिर आता है लॉन्ग हेयर कोट। ये तीन में आपको देखने को मिलता है जर्मन शेफर्ड। इसके अलावा अगर कोई दे रहा हो जिसमें बोल रहा हो कि ये शॉर्ट हेयर वाला है, बिल्कुल हेयर नहीं आते इनको, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, या ऐसा ही कुछ और बता रहा है, तो मत लीजिए और उस ब्रीडर के पास जाइए भी नहीं। नेक्स्ट आपको देख लेना है कोट कलर्स। जर्मन शेफर्ड आपको बहुत सारे कोट कलर्स में देखने को मिलेंगे। उसमें से फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ, वाइट में भी देखने को मिलता है जो काफ़ी रेयर है, ब्लैक है, फिर जो सबसे कॉमन और पॉपुलर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा वो है ब्लैक एंड टैन। तो अब देख लेते हैं सबसे पहला वे। सबसे पहले अगर आपको आपके जर्मन शेफर्ड के चेस्ट या लेग पे वाइट स्पॉट दिख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योर नहीं है। कई सारे प्योर जर्मन शेफर्ड में आपको ऐसे स्पॉट देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें याद क्या रखना है कि ये स्पॉट्स काफ़ी छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते कि काफ़ी दूर से दिखने लग जाए पूरे इसमें फैले हो, इस तरह से नहीं होते। ये स्पॉट नॉर्मल होते हैं, और ज़्यादा हो रहे हो तो समझ लेना कि फेक है। नेक्स्ट आता है उसके हेड या फिर पीछे की बैक में, कहीं भी आपको कोई भी वाइट स्पॉट देखने को नहीं मिलता। जर्मन शेफर्ड के अगर वाइट स्पॉट देखने को मिल रहा है उसके हेड पे या फिर नेक पे ले लो या फिर पूरे बैक में कहीं भी, तो वो फेक हो सकता है, क्योंकि एक प्योर जर्मन शेफर्ड में कभी भी वहाँ पे कोई भी वाइट स्पॉट देखने को नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट आता है जिससे आप अपने जर्मन शेफर्ड को पहचान सकते हैं, वो है उसके पॉइंटेड ईयर्स। जर्मन शेफर्ड के ईयर्स दूसरे डॉग ब्रीड जैसे लैब्राडोर हुआ, गोल्डन रिट्रीवर हुआ, उनके जैसे नहीं होते, नीचे अपने मुंह से चिपके हुए, इनके पॉइंटेड होते हैं यानी खड़े होते हैं। तो अगर कोई ब्रीडर आपको मनाने की कोशिश कर रहा हो कि ये जर्मन शेफर्ड ही है और इसके जो है ईयर्स खड़े नहीं होंगे आगे चल के भी, और ये प्योर है मान लीजिए, तो बिल्कुल मत मानिए उनकी बात और उनसे लीजिए भी नहीं। जर्मन शेफर्ड के ईयर्स जो है खड़े होते हैं और इरेक्ट रहते हैं। उनके जो ईयर्स होते हैं वो बेस पे होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं और थोड़े से आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, एक ट्रायंगल की तरह वो शेप बनाते हैं, तो हमेशा ये याद रख ले। अब मैं बोल रहा हूँ खड़े रहते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जब बॉर्न होते हैं या फिर एक महीने के होकर तब से ही खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके ईयर स्टैंड होना स्टार्ट करते हैं। तो कोई अगर आप बोल रहे होगे कि पप्पी देखने गया उसके खड़े ही नहीं थे, नहीं लिया मैंने, वो फेक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसके ईयर स्टैंड होना स्टार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट वे जो आता है वो है उसकी टेल। जर्मन शेफर्ड की टेल लंबी, मोटी और घनी होती है, यानी उसके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे उसकी टेल पे। लेकिन कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि थोड़ी सी भी कर्व हो जर्मन शेफर्ड की टेल तो वो फेक है, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी डॉग ब्रीड अलर्ट मोशन में आता है, प्रोटेक्टिवनेस दिखाना चाहता है अपनी, या फिर कुछ सेंस करता है, तब वो थोड़ी सी कर्व कर लेता है मोशन में उसकी जो है टेल, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़रा सा भी कर ले तो वो फेक हो गया। अगर रिंग शेप में है, पूरी तरह से गोल है, हमेशा गोल ही रह रही है, तो पक्का वो फेक है। इस तरह से आप टेल से भी उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वे आता है वो है उसकी स्टैंडिंग पोजीशन। जर्मन शेफर्ड जो खड़ा होता है तब उसे पीछे से वो डाउन स्लोप होता है, यानी पीछे से थोड़ा सा झुका हुआ वो खड़ा रहता है। फॉर आपकी क्लियरेंस के लिए मैं ये जो पिक्स बता रहा हूँ आप देख सकते हो, ये सब पूरी तरह से एक परफेक्ट वे है जिससे पता चलता है जर्मन शेफर्ड कैसे खड़ा है पीछे से थोड़ा डाउन स्लोप में, क्योंकि ये डॉग ब्रीड दूसरे डॉग ब्रीड जैसे हो गए बॉक्सर हो गया या फिर लैब्राडोर ले लो, उनके जैसे स्ट्रेट खड़े नहीं रहते। तो याद रहे, अगर कोई स्ट्रेट खड़ा रह रहा है पूरी तरह से और बोल रहा है रिंग शेप है, तो इन सब की बातों में मत आइए और एक जर्मन शेफर्ड मत खरीदीजिए फेक वाला। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं वो है ईयर गैप। ईयर गैप में आपको क्या याद रखना है कि उनके दोनों ईयर के बीच में जो गैप होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। पिक्स में आप देख सकते हो, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इतना ही गैप होता है। या फिर अगर आपको कोई बोले कि चिपके हुए हेड से और गैप भी ज़्यादा है तो वो फेक है। सिर्फ गैप भी ज़्यादा हो रहा हो, मतलब नॉर्मली जर्मन शेफर्ड का जो गैप है वो पीक में इस साइड राइट साइड आप देख सकते हो उतना होता है, लेकिन लेफ्ट साइड जैसे इतना बड़ा बता रहा हो कोई और डॉग ब्रीड हो, तो वो फेक हो सकती है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रख लें।
उसके ईयर्स में आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रख लेना है वो है, वो कभी भी दोनों एक साथ खड़े हो सकते हैं, कभी भी दोनों खड़े नहीं भी हो सकते, यानी एक खड़ा होगा कभी, कभी दूसरा ईयर खड़ा होगा, दोनों एक साथ होंगे, इस तरह की चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए आप सबके लिए सब कुछ बोनस एडवाइसेस में दे सकता हूँ, वो है कि अगर आप एक नया जर्मन शेफर्ड लेने जा रहे हो तो आपको चीज़ें क्या याद रख लेनी है। सबसे पहले हो सके तो उस जर्मन शेफर्ड के मदर और फादर को देख लीजिए कि कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 90% जो है वो अपने मदर फादर पे जाते हैं, यानी अगर उन्हें कोई डिजीज़ होगा, उनका कोट अच्छा नहीं होगा या फिर कुछ चीज़ें होंगे वो जो जीन्स पे जाती है वो आपको अपने जर्मन शेफर्ड में भी देखने को मिलेगी, तो उसके मदर फादर को देख लीजिए। साथ साथ अगर आप अपने जर्मन शेफर्ड पप्पी लेने जा रहे हो तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए, देखिए कितना एक्टिव है वो, कौन सा आपके साथ आसानी से फ्रेंडली हो रहा है, अच्छे से रह रहा है आपके लिए, ज़्यादा मतलब आपके साथ ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहा है, टाइम खेल रहा है, तो उस तरह से आप एक पप्पी सिलेक्ट कर सकते हो जिससे वो भी खुश हो और आप भी खुश हो। अगर इन एनी केस अगर जर्मन शेफर्ड के मदर फादर को वो शो नहीं कर पाते, उनसे मिला नहीं पाते, तो उनकी वीडियोस हो सके तो ज़रूर से मांग लीजिए कि इनकी मदर फादर की वीडियोस दिखा दीजिए मुझे। पेपर वर्क दे रहे हो तो ज़रूर से ले लीजिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मे बी आपको प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है अगर आप पेपर वर्क के साथ ले रहे हो तो। नेक्स्ट उनके आइज जो होते हैं वो आलमंड शेप के होते हैं और मुंह से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपका जर्मन शेफर्ड रियल है कि नहीं। कई बार जो है ब्रीडर्स आपको ऐसे डॉग ब्रीड दे देता है जो काफ़ी सिमिलर होती है तो आप पहचान नहीं पाते, तो हेड से इजी हो जाता है। उसके जो हेड है वो जो नोज़ होगी यानी वो लंबी होगी, सामने से देखोगे तो नोज़ लंबी दिखेगी और जो ईयर्स होंगे वो ट्रायंगल शेप में खड़े दिखेंगे। तो मुंह से भी आप पता लगा सकते हो, जैसे कि ये पिक्स में भी आप देख सक रहे हो, इसमें भी मैंने बताया, देख सकते हो उसके जो नोज़ है वो आगे है, ईयर्स ऊपर है, इस तरह की चीज़ें आप नोटिस कीजिए, गैप देख लीजिए ईयर्स के बीच में, ये सब से आप पता लगा सकते हो कि आपका जर्मन शेफर्ड एक प्योर डॉग ब्रीड है। आपके डॉग ब्रीड का एनर्जी लेवल या फिर उसकी अटेंशन कैसे देता है वो, या फिर कितना प्रोटेक्टिव है, इस तरह की चीज़ें भी आप नोटिस कर सकते हो अगर आप एक जर्मन शेफर्ड लेने जा रहे हो तो, क्योंकि उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड है, एक गार्ड डॉग की तरह जानी जाती है, तो ये सब चीज़ें भी आप वहाँ जाके नोटिस कीजिए जिससे कि आपको पता चल सकता है कि ये डॉग ब्रीड एक प्योर डॉग ब्रीड है। कई लोग इसमें भी डाउट हो जाते हैं कि सिंगल कोट का ले लेते तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि कौन सा है, तो सिंगल कोट में जो है आपको जो हेयर्स काफ़ी कम मिलेंगे और उसकी स्किन भी आपको देखने को मिल सकती है, तो ये चीज़ भी ज़रूर से ध्यान रहे दोस्तों। अगर आप एक न्यू पप्पी ले रहे हो तो ये काफ़ी जिम्मेदारी का काम होता है, ये एज अ फैमिली मेम्बर आपके घर में आता है, एक न्यू फैमिली ओनर आपके घर में आ रहा है तो उसकी सारी केयर आपको करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी फेस हो सकती है, तो अगर आप एडॉप्ट नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते तो एडॉप्ट ना कीजिए, क्योंकि कुछ लोग केयर नहीं कर पाते तो उसे छोड़ देते, तो इस तरह से मत कीजिए, अगर नहीं हो सकता तो नहीं लीजिए, और ले रहे हो तो पूरी तरह से केयर कीजिए, एज अ बेबी की तरह वो आपके घर में आता है। तो ये सब सारी चीज़ों से आप पता लगा सकते हो कि आपका जर्मन शेफर्ड प्योर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।